सबको परम शांति। आदरणीय दादाजी, आदरणीय ब्रह्मा माँ, आपको मेरा सादर प्रणाम और ढेर सारा प्यार। कुछ दिन से बस ऐसे ही सोच रही थी कि जब हम अपने मन में किसी चीज़ का एहसास कर लेते हैं, हम उसकी इम्पोर्टेंस को समझ जाते हैं, तो हम उसके अंदर पूरी ऊर्जा लगा देते हैं। और ये विचार मेरे मन में मेडिटेशन को लेकर आया था। आज हम सब भाई बहन रोज रात को एक शेड्यूल टाइम पे मेडिटेशन करते हैं, और मेडिटेशन करने के बाद एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। तो जितना जितना समय के साथ साथ जो भी सीखते जा रहे हैं, ज्ञान को सुनते जा रहे हैं, मेडिटेशन करते जा रहे हैं, तो एक जो थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग अंदर से आ रही है, उसी का ही एक रूप, एक अलग रूप में मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली कई बार मैंने देखा, कमेंट्स में भी पढ़ा, कई बार ग्रुप में भी आता है, कोई भाई बहन कहता है कि हमारा योग नहीं लगता, कोई कहता है हमारा ध्यान नहीं लगता, कोई कहता है हमको विजन आते हैं। इनफैक्ट मैं कल के मेडिटेशन में भी देख रही थी कि एक भाई ने लिखा था, मुझे घोस्ट से डर लगता है भैया, उससे बचा लो। तो बस यही सब पढ़ते पढ़ते मैं लाइफ को या अपने इस जीवन के चक्र को एक दूसरे व्यू पॉइंट से समझने की कोशिश कर रही थी, और मैं ये वीडियो सिर्फ इसी भाव से बना रही हूँ कि हो सकता है कि ये व्यू पॉइंट किसी के काम आ जाए। देखिए, सबसे पहले हम ज्ञान को लेते हैं, तो दादाजी का ज्ञान ही हमें ये बताता है कि इस पूरी दुनिया का निर्माण निराकारी से आकारी और फिर साकारी सृष्टि बनी। निराकार के अंदर हम सबको पता है कि सिर्फ और सिर्फ लाइट है, लेकिन लाइट के चारों तरफ माइट है, और जहां माइट बनती है वहीं से तत्वों का निर्माण शुरू हो जाता है। और इन तत्वों के निर्माण से ही सबसे पहले तीन तत्व बनने से एक आकार बन जाता है। आकाश, वायु और अग्नि, तीन तत्व मिलकर एक आकार बना देते हैं, और जब उसके साथ जल और मिट्टी जुड़ जाते हैं तो पांच तत्व बन जाते हैं। यदि हम इसी चीज को बहुत ध्यान से देखें तो सिर्फ हमें ये बात समझ में आती है कि जीवन की सृष्टि का मूल आधार सिर्फ लाइट है। लाइट है का मतलब वो एक एनर्जी है, राइट? इसी तरह से हम यदि हर चीज को आज सिर्फ इन टर्म्स ऑफ एनर्जी को समझ लें, एक ऐसे फोकस को ले आए, तो हमें आज विश्व परिवर्तन के लिए जिन स्टेट्स को अटेन करना है, चाहे वो इच्छा मात्रम अविद्या है, चाहे वो मायातीत बनना है, चाहे वो कर्मातीत बन रहा है, चाहे वो भावों से दूर जाना है, अपनी उन हाई एनर्जी स्टेट्स को अपने अंदर लाने के लिए मेडिटेशन करना क्यों जरूरी है, इन सबको लाने के लिए हमें रूट कॉज को समझना पड़ेगा। और जिस दिन हम ये रूट कॉज को समझ लेंगे, मतलब ज्ञान की उस गहराई को समझ लेंगे, उस दिन हमें ये स्टेट्स लानी नहीं पड़ेंगी, ये ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वैराग्य आ जाएगा, ऑटोमेटिकली हम माया से दूर हो जाएंगे, है ना। हम करेंगे तो सब कुछ दुनिया में, लेकिन उससे अटैच नहीं होंगे, उसके जाने या खोने का हमको डर नहीं होगा। तो इसी व्यू पॉइंट से बस इसी आस्पेक्ट को एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने जैसा अभी देखा कि पूरी दुनिया एक निराकारी से आकारी और फिर साकारी बनती है, इसका मतलब कि माइट के बनने के बाद तत्वों का निर्माण शुरू हो जाता है, और तीन तत्व के बाद पांच तत्व बन जाते हैं, है ना। इसका मतलब कि हमारा जब भी हम मतलब हमारी जो लाइफ साइकिल है वो हमारे फर्स्ट बर्थ से शुरू हुई, है ना, फर्स्ट बर्थ से शुरू हुई। लेकिन हमारे यहाँ पर था क्या मूल में? मूल में तो एनर्जी ही थी। आज हमारी ये जो ह्यूमन बॉडी हमें दिखाई देती है, इसको चलाने वाला हमारे कोई फिजियोलॉजिकल सिस्टम हमारे शरीर को नहीं चला रहे, हमारे शरीर को हमारी आत्मा ही चला रही है, है ना। तो आत्मा हर किसी की अलग अलग है, ये बात भी हमें दादाजी ने ही बताई, है ना, कि हर आत्मा अलग है। आत्मा परम लाइट की भी है, आत्मा अग्नि तत्व से भी बनी है, आत्मा वायु तत्व से भी बनी है, है ना। और अभी बहुत ही रिसेंट वीडियो में दादाजी ने यह भी बताया कि वायु तत्व की आत्मा वायु में विलीन हो जाती है, अग्नि तत्व की आत्मा अग्नि में विलीन हो जाती है, और जो परम लाइट की आत्मा है वो परम धाम तक जाती है। अब ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर किस क्वालिटी की परम लाइट है। मतलब जैसे हर ब्रह्मांड, हर गैलेक्सी, हर यूनिवर्स, हर ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स, मल्टीवर्स या बेहद की कला में परम लाइट की क्वालिटी अलग अलग है, तो निराकार परब्रह्म तो हर जगह मौजूद है, लेकिन निराकार परब्रह्म की शक्ति अलग अलग है। ये बहुत ही ऑब्वियस ही बात है कि यदि एक गैलेक्सी के अंदर अनंत अनंत ब्रह्मांड है, तो गैलेक्सी के रचयिता की पावर तो ज्यादा ही होगी, है ना। तो यदि कोई आत्मा गैलेक्सी से आई है तो उसकी परम लाइट की क्वालिटी सुप्रीम होगी, राइट? ये कोई भी एक इंसान कॉमन अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ सकता है।
इसी तरह से यूनिवर्स के रचयिता की पावर उससे ज्यादा होगी। तो कहने का मतलब ये है कि एनर्जी का जो मूल है, मतलब शरीर का मूल में आत्मा है और आत्मा की पावर हर किसी में अलग अलग है। तो इस तरह से हम यदि अपने रूट लेवल पे देखें तो हर इंसान जब एक एनर्जी बीइंग बन रहा है तो वो अपने अंदर आत्मा की एक डिफरेंट एनर्जी को कैरी कर रहा है ना। इसी तरह से हम जब कर्म करते गए, मतलब हमारे कई जन्म होते गए, अब यहाँ पर जन्मों का भी हिसाब है। कोई आत्मा, अब जैसे दादाजी कहते हैं कि बेहद की आत्मा 5000 साल पहले आई है ना, लेकिन यदि हम इस ब्रह्मांड की आयु को देखें तो 198 करोड़ साल हो गए है ना। ब्रह्मा जी का दूसरा परात चल रहा है। तो कहने का मतलब कि आत्मा एक तो अलग अलग परम लाइट की एनर्जी कैरी कर रही है, दूसरा इस धरती पर आए हुए आत्मा को अलग अलग समय हो गया है ना। कोई आत्मा जो इस ब्रह्मांड की थी और यदि वो इस ब्रह्मांड के शुरू में आई होगी तो उसको इस धरती पर आए 198 करोड़ साल हो गए। नाउ कैन यू इमेजिन कि वो 198 करोड़ साल में कितने अपने उसने रूप बदले होंगे, कितने शरीर बदले होंगे, कितना कार्मिक अकाउंट होगा है ना। तो आत्मा का मूल में आत्मा की एनर्जी उसका रूट लेवल पे अलग है और उसके इतने ज्यादा जन्म लेने से उसके ऊपर कार्मिक बंधन अलग अलग हैं है ना। लेकिन हम यदि यहाँ पर बेहद की आत्मा को देखें तो बेहद की आत्मा शुरू से ही, चाहे वो अपनी आकारी रूप में 15 लाख साल पहले भी आई हो, लेकिन 15 लाख साल पहले भी वो काम विश्व के कल्याण के लिए कर रही थी है ना। दादाजी बताते हैं कि वो आत्मा भी पहले अपने आकारी रूप में अपने बेहद के पिता के साथ, मतलब अलग अलग इन्फॉर्मेशन लेकर दे रही थी, लेकिन 5000 साल पहले जब कृष्ण भगवान जी आए तब उसने अपना साकारी जन्म लिया। तो यहाँ पर ये पता लगता है कि यदि बेहद की आत्मा आई है तो बेहद की आत्मा के अंदर एक तो बेहद की परम लाइट है, तो वहां पर एनर्जी रूट लेवल पे डिफरेंट है। दूसरी बात कि जब वो 5000 साल पहले आई है तो उसके ऊपर से 5000 साल का ही कर्म बंधन है। तो हमें यहाँ पर ये समझना है कि इसी तरह से ये भी पॉसिबल है कि जो आत्मा गैलेक्सी से आई होगी उसकी गैलेक्सी की आत्मा में आत्मा की पावर अलग है और उसका भी अपना लाइफ टाइम पीरियड अलग होगा है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि जब हम अपने परिवार के अंदर बहुत मोह रखते हैं है ना, अब हम इसी चीज को, इसी एनर्जी की टर्म्स को हम अपने रियल लाइफ में ले आते हैं है ना। आज हमें एक बंधन है, आज हमें जो बंधन है, कौन से बंधन है, आज हमें रिश्तों के बंधन है ना। हम जिनके साथ भी रहते हैं, हमें ये बात भी समझनी चाहिए कि जिनके साथ हमारा बहुत मोह है वो जनरली है हमारे परिवार के सदस्य। लेकिन हम यदि ये समझ लें कि हमारा परिवार बनता क्यों है, कौन हमारा परिवार बनाता है, तो ये ज्ञान का प्रकाश हमें आराम से मायातीत बना देगा। हमें सिर्फ इतना समझना है कि जब हम पहला जन्म लेते हैं उसके साथ आत्मा, सबसे पहली बात कि आत्मा अपने एक पैटर्न में आती है। अब जैसे हम यदि किसी भी क्रिएशन को ध्यान से देखें तो पहले भगवान अपने कुछ रत्न बनाते हैं, फिर उसके बाद 108 आत्माएं, फिर 1008 आत्माएं, फिर 16000 आत्माएं, फिर 9 लाख आत्माएं, फिर 2 करोड़ आत्माएं, तो एक मूल वतन। मतलब आप यहाँ भी देखो तो पावर का एक ग्रेडियंट है ना। शुरू की आत्माएं सिर्फ निराकार हैं जो डायरेक्टली परब्रह्म से आई हैं, उसके बाद आत्मा से आत्मा का सर्जन हो रहा है। तो क्वालिटी ऑफ द एनर्जी, मतलब क्वांटिटी ऑफ द एनर्जी एंड द क्वालिटी ऑफ द एनर्जी, बोथ आर डिक्रीजिंग है ना, दोनों साथ साथ कम होती चली जा रही हैं। तो वही बात कि आत्मा के मूल में उसकी एनर्जी कम हो रही है ना। दूसरी चीज कि जब आत्मा अपना आकार लेती है तभी वो अपना कर्म करती है। दादाजी ने इसको इसी तरह से बताया कि वो कला के साथ जुड़ जाती है। तो जितनी कलाएं, मतलब जुड़ती गई, मतलब उसका कर्म जुड़ता गया। जैसे पहले एक आत्मा जानती ही नहीं, वो तो सिर्फ अपने परब्रह्म को जानती है, लेकिन जब एक आत्मा से दूसरी आत्मा निकली तभी उसने एक दूसरे को पहचाना, तो पहचानने में ही सबसे पहला अपना कर्म किया। तो जब इतने से कर्म के करने से ही आत्मा की पावर कम हो रही है, तो कैन यू इमेजिन कि जिस आत्मा ने 198 करोड़ साल में लाइफ साइकिल अपना इतना कर्म चक्र में गई हो, इतने सारे लोगों के साथ बंधी हो, तो उसकी आज हालत क्या होगी है ना। इसी तरह से जो आत्मा गैलेक्सी से एक अलग अलग टाइम इंटरवल पे आई हो उसकी आत्मा की हालत क्या होगी, और जो बेहद की आत्मा 5000 साल पहले आई हो उसकी आत्मा की हालत क्या होगी। तो आत्माएं कहने का मतलब अलग अलग है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें ये बताती है कि हर आत्मा, मतलब हम जो हैं जैसे हैं, पहली बात कि हम साइंस में ये समझते हैं कि हमारा डीएनए हमें यूनिक बनाता है, नहीं, हमारी आत्मा की पावर हमें यूनिक बनाती है। ये बात आज नहीं तो कल आपको समझनी और अपने अंदर धारण करनी ही पड़ेगी। जिस दिन आप इस व्यू पॉइंट से चीजों को देखना शुरू करेंगे उस दिन आपको हर चीज बहुत ही क्लियर समझ में आती जाएगी है ना, आपको इस दुनिया का पूरा रहस्य समझ में आता जाएगा। जैसे हर आत्मा की, क्योंकि मूल में उसकी एनर्जी अलग अलग है,
तो जब उसकी एनर्जी अपने अंदर अलग अलग है तो उस एनर्जी का बेस, अब हम ये भी समझ सकते हैं, देखिए एक गैलेक्सी की पावर में यदि एक गैलेक्सी अपने अंदर बिलियंस ऑफ ब्रह्मांड्स को होल्ड कर रही है तो गैलेक्सी से आने वाली आत्मा की पावर अलग है ना, बेहद की आत्मा की पावर ही अपने आप में अलग है। तो इसी तरह से जो आत्मा यहाँ पर से आई है उसकी आत्मा के मूल में उसकी एनर्जी ही कम है। तो कहने का मतलब एनर्जी इज अ कैपेसिटी टू डू द वर्क, है ना। साइंस हमें यही समझाता है कि एनर्जी के बिना इस दुनिया में कुछ नहीं होता, एनर्जी ही आपको हर कार्य को करने की क्षमता देती है। तो आप ये समझो कि यदि एक आत्मा आपके शरीर को चला रही है ना, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि उस आत्मा के रीबर्थ कितने ज्यादा हो गए, मतलब 198 करोड़ साल में न जाने कितने उसने अपने रोल प्ले किए। तो पहले ही आत्मा के अंदर पावर कम है ना, और फिर दूसरा उसके बार बार जन्म 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 लेने से वो कितने कर्म करती गई होगी। यदि एक आत्मा जब शुरू में दूसरी आत्मा को देखती है और देखने से ही उसके साथ कर्म जुड़ जाता है तो दिन भर में न जाने हम एक ही दिन में एक ही पल में न जाने कितने कर्म कर लेते हैं। और हमें ये भी पता है कि कर्म जो है वो खाली बोलने से या हाथ से नहीं, मन वचन और कर्म से कर्म है। इसका मतलब एनर्जी का एक्सचेंज मन के सोचने से, मन वचन बोलने से और हाथ से एग्जीक्यूट करने में या किसी भी तरह से एग्जीक्यूट करने में वो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। तो आप ये सोच के देखो कभी कि ये एनर्जी का मैकेनिज्म अपने आप में कितना कॉम्प्लेक्स है। ये बात मूल रूप से समझना, रूट लेवल पे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही एनर्जी का डिफरेंस आज हमारे रिश्तों का आधार है ना, आज हमारे रिश्तों का आधार है। हमें ये समझना पड़ेगा क्योंकि मान लीजिए कि कोई आत्मा यदि ब्रह्मांड के अंदर बनी है और वो ब्रह्मांड में निराकार तो बनी ही नहीं है क्योंकि वहां पे तो सप्तऋषि ब्रह्मा जी ने जब सप्तऋषि भगवान का देवताओं का निर्माण किया तब उन्होंने आत्माएं बनाई, तो वहां पर आत्मा परम लाइट की है ही नहीं, है ना, वहां पर अग्नि या वायु की है। और फिर जब वो ब्रह्मांड की आयु ब्रह्मा जी द्वारा शुरू हुई तो उसके भी 50 साल बीत गए, है ना, वो 50 साल जब बीत गए और आज दूसरा पराज शुरू हो गया तो 198 करोड़ साल में वो आत्मा आज कहां मानव रूप में रही होगी, आप कुछ सोच के देखो, है ना। क्योंकि हर आत्मा जब एक मनुष्य जीवन में लेकर भी आ रही है तो उसको पावर का एक टोटल परसेंटेज, मतलब सागर में से एक बिंदु बराबर शक्ति मिलती है। तो वो आत्मा आज कैसे ऐसा हो सकता है कि वो आत्मा आज एक मानव जीवन में रह करके एक बहुत ही मतलब एक पुण्य कार्यों में लगी होगी। तो जनरली ये पॉसिबल हो सकता है कि ये आत्माएं ज्यादा से ज्यादा, मतलब जितना भी आज दुनिया के अंदर बहुत ही ज्यादा या तो अधर्म हो रहा है, क्यों, क्योंकि उनकी पावर, कोई भी करने वाला कर्म, हमें ये बात भी समझनी होगी कि कोई भी करने वाला कर्म कौन करा रहा है आपको, आप उसे मन से ही एग्जीक्यूट करते हो, है ना। तो मन ही यदि हमारा हाई एनर्जी स्टेट में है या हमारा लो एनर्जी स्टेट में है, वो मन की वाइब्रेशनल फील्ड ही आपको ये डिसाइड करेगी कि आप इस दुनिया में कौन सा कर्म आज करने के लिए प्रेरित होते हो, है ना। तो इसी तरह से एक चोर चोरी करता है क्योंकि उसका मन उसे वो प्रेरणा देता है ना, एक मजदूर मजदूरी करता है क्योंकि उसका मन उसे वो प्रेरणा देता है ना, एक राजनेता राजनेता बनता है क्योंकि उसका मन उसे प्रेरणा देता है। तो मन क्या है, मन इज स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द सोल, वो जो लाइट की आत्मा की एनर्जी है ना वो आपको मन से प्रेरणा देती है। आपके पास परिस्थिति होती है सिर्फ, लेकिन आपके निर्णय अलग अलग होते हैं, यही एक मूल कारण है हमारी फ्री विल का, राइट। तो कहने का मतलब है कि यदि हम बहुत ध्यान से देखें तो आज हम जिस परिवार के लिए बहुत अपना, जिनसे हम बहुत अटैच्ड हैं, वो कुछ नहीं है, वो परिवार बना क्योंकि हमने, जब हम पहली बार मानव जन्म लेकर इस पृथ्वी पर आए होंगे, इमेजिन करिए जब हम पहली बार मानव जन्म लेकर इस धरती पर आए होंगे तो धरती पर आने के लिए भी, एक मानव का रूप लेने के लिए भी एक मैकेनिज्म है, राइट। एक माता पिता एक आते हैं, तब एक बच्चा आता है, तो वो भी एक पूरा मैकेनिज्म है, राइट। इसी तरह से पहले एक फैमिली बनी होगी, फिर फैमिली से फैमिलीज बनी होंगी, और इसी तरह से पुनर्जन्म जन्म 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 होता गया होगा और एक पूरी सृष्टि बनती चली गई, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, और मल्टीप्लाई होता चला गया। लेकिन हम देखें कि जब हम जिसके साथ पहली बार, यदि हम इमेजिन करें कि जब एक पहली फैमिली बनती है तो उस पहली फैमिली के अंदर जो भी लोग हैं वो एक साथ रह रहे हैं, जब पहला एक बच्चा आया होगा तो वो अपने माता पिता के साथ रहता होगा, वो उनके साथ ही अपनी एनर्जी एक्सचेंज करता था, है ना। फिर उसकी भी डेथ हो गई होगी, फिर उसने भी दोबारा जन्म लिया होगा, फिर बेस्ड ऑन द एनर्जी एक्सचेंज हो क्या रहा है। यदि हम स्पिरिचुअल साइंस को देखें तो यही रिश्ते हमारे रूप बदल बदल के आते हैं, कोई हमारा फादर बन जाता है, कोई मदर बन जाता है, कोई भाई बन जाता है, कोई सिस्टर बन जाता है, कोई हस्बैंड बन जाता है, बट बेसिकली वो सब भी आत्माएं ही हैं, है ना। बस आत्माएं डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से आई हैं, अंतर सिर्फ इतना है कि जो हम जिन्हें बाहर देखते हैं उनके साथ हमारा एनर्जी एक्सचेंज ज्यादा नहीं हुआ होता, है ना, इस वजह से उनका हमारा जो टाइम ड्यूरेशन है या हमारा मीटिंग ड्यूरेशन है वो शॉर्ट होता है। लेकिन परिवार के अंदर भी हमारा टाइम ड्यूरेशन, हमारा टाइम स्पेंड ज्यादा होता है,
हम जिनके साथ ज़्यादा रहते हैं उनके साथ हम हर पल ज़्यादा एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं, तो ऑब्वियसली वही जन्म पे जन्म लेकर हमारे रूप बदलकर हमारे सामने आते रहते हैं। और यदि हम इस व्यू पॉइंट से देखें तो हमें ये सृष्टि किस तरह से काम कर रही है ये हमें बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा, है ना। इस बात को समझने का अर्थ ये है कि हम अपने रिश्तों के बेसिस को जब समझेंगे, खाली आत्मा को समझने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर हमें ये समझना पड़ेगा कि मान लीजिए कि हम एक घर के अंदर 5 जने रहते हैं, है ना, तो वो 5 जने एक अलग अलग सोर्स से आए हैं। ये भी हो सकता है कि उस 5 घर के परिवार के सदस्यों में वो आत्मा एक अलग अलग सोर्स से आई हो। यदि एक सोर्स से भी आई है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी वो आत्मा एक अलग अलग मतलब कर्म में पिछले जन्मों में इन्वॉल्व होगी। जैसे हम यदि इसको समझने के लिए हम यदि आज एक फैमिली को इमेजिन करें और एक फैमिली में एक फादर है, वो अपना एक काम करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, तो वो काम करने के लिए जिस काम को भी, जिस प्रोफेशन को भी वो लेते हैं, ऑब्वियसली वो वही एनर्जी अर्न कर रहे हैं। एक माँ घर में भी काम कर सकती है, वो बाहर जाके भी काम कर सकती है, वो माँ भी जिस काम में इन्वॉल्व होगी वो भी वही एनर्जी को अर्न करेगी। ठीक उन फादर और मदर की उसी कम्बाइंड एनर्जी से ही उनके यहाँ एक बेबी होगा, वो बेबी भी एक एनर्जी बींग होगा, लेकिन वो भी एक आत्मा है, उस आत्मा की अपनी भी एनर्जी है। ठीक है, मदर एंड फादर सिर्फ एक कैरियर है, है ना, वो कैरियर है सिर्फ, वो अपनी उस एनर्जी के कैरियर हैं, वो एक फिजिकल व्हीकल हैं उस एनर्जी को, उस आत्मा को धरती पर लाने के लिए। तो कहने का मतलब यदि हम इस व्यू पॉइंट से चीजों को समझेंगे तो हमें अपने रिश्तों का बेसिक आधार समझ में आएगा कि आज हम जिन्हें अपनी माता, जिन्हें अपना पिता, जिन्हें अपना घर वाले इतना समझते हैं, जिनके लिए हम सुबह से रात तक बिना मतलब चीजों को धारण किए चलते चले जा रहे हैं, एक्सपेंशन किए चले जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, तो हमें समझना पड़ेगा ये कि हमारे उन चीजों का, हमारे इन टाइप्स का आधार क्या है। जिसके साथ ज्यादा एनर्जी एक्सचेंज की है ना, वही हमारे साथ ज्यादा समय रहने वाला है। तो सिर्फ एक परिवार ही है जिसमें हम अपनी पूरा लाइफ स्पैन एक घर में रहकर, एक जैसे परिवार के लोगों के साथ रहकर स्पेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ ही हमने ज्यादा एनर्जी एक्सचेंज करके अपना कर्म कमाया था, तो उनके साथ ही हमें टाई अप होना है। ये बात मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब लोग कहते हैं कि हमारे घर में, एक बहन ने मेडिटेशन के दौरान लिखा था कि जैसे 24/7 कलेश ही हो रहा है ना, नेगेटिव एनर्जी ही हम एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे रिश्तों के साथ, तो हम इन्हें कैसे ओवरकम करें। तो आपको इसका आंसर इसी मतलब एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगा। हमें यहाँ पर यह समझना है कि हम दुनिया में आज हम अपना योग कर रहे हैं, योग से हम एक एम को पूरा कर रहे हैं, वो है विश्व परिवर्तन का एम। ठीक, उसके लिए हमें चाहिए आत्मा में पावर। आत्मा में पावर का मतलब है, और हमें उन हाई एनर्जी स्टेट्स जो चाहिए, मतलब हमें वैराग्य चाहिए, हमें मायातीत बनना है, हमें कर्मातीत बनना है, हमें त्रिगुणातीत भी बनना है, हमें अपनी निराकार अवस्था को धारण करना है, हमें इस फिजिकल बॉडी से एंजल बनना है ना, फरिश्ता बनना है। तो इन सबको बनने के लिए हमें क्या चाहिए? सिर्फ मेडिटेशन करना जरूरी ही नहीं है, उस पावर को एक्यूमुलेट करना भी बहुत जरूरी है। तो जब कोई भी ऐसा प्रश्न करता है कि हमारी पावर वेस्ट हो जाती है ना, हमें कुछ चीजें दिखाई देती हैं, तो इसका अर्थ क्या है कि हमारे साथ जो घर में आने वाले जितने भी रिश्ते हैं वो सब क्या है? वो सब वो व्यक्ति हैं जिनके साथ हमने जिस तरह के कर्म किए। तो जब तक हम रूट को नहीं पकड़ेंगे तब तक हमें समाधान नहीं मिलेगा। कोई भी व्यक्ति आपको आपकी सॉल्यूशन का समाधान नहीं दे सकता, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान। ज्ञान क्या करेगा? ज्ञान आपके मन को परिवर्तन कर देगा और आपका मन ही आपको हल देगा। ये बात सिर्फ इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि आत्मा का मूल मन है। तो जब तक मन परिवर्तन नहीं होगा तब तक आपको कोई भी चीज आप इग्नोर कर ही नहीं पाएंगे, जब तक आप अपने मन में ज्ञान के को प्रकाशित नहीं करेंगे। आप ये समझेंगे नहीं कि सामने वाला व्यक्ति आपके साथ वैसा बिहेव क्यों कर रहा है ना। तो हमारा सिर्फ इतना समझना है कि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो इस दुनिया में न सिर्फ पहला परिवार बनता है लेकिन भगवान की ये पूरी सृष्टि प्यार से बनी है। तो शुरू में जब बहुत ही ज्यादा हाई एनर्जी स्टेट में हमारा नेचर और आत्मा रही होगी तो वो एक दूसरे के साथ प्यार ही बांटती थी, लेकिन जैसे जैसे वो कर्म करती गई उसकी एनर्जी कम होती चली गई, है ना। बल्कि बेहद की आत्मा का तो ओरिजिनल स्वरूप ही प्रकाश का था, तब तो सूर्य भी नहीं था, है ना, धरती पे सूरज भी नहीं था, प्रकाशमान थे तो शरीर से ही प्रकाश निकल रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया ये प्रकाश यूज होता गया, एनर्जी इंटर कन्वर्ट होती चली गई, और जब एनर्जी इंटर कन्वर्ट हो गई तब ब्रह्मा जी को भी बल्कि पृथ्वी बनानी पड़ी, उनको भी सूर्य का निर्माण करना पड़ा। तो एनर्जी देखिए आप कितनी ट्रांसफॉर्म हो गई, है ना। इसी तरह से जब आत्मा की खुद की एनर्जी कम हो गई तो आत्मा के अंदर से वो प्यार धीरे धीरे कम होता चला गया।
जब आत्मा की तरफ से एक है कि जब सभी लोग प्यार करने वाले हैं, इमेजिन करें हम एक ऐसी दुनिया को जैसे सतयुग में शायद रहा होगा कि सब, यदि कोई गलती हो भी जाती थी तो वो गलती पहली बात तो करता ही नहीं था, करता था तो मानता था, मानता भी था तो उसके बाद प्रायश्चित भी करता था, चाहे कितना ही बड़ा से बड़ा त्याग करना पड़े। आज हम ऐसी दुनिया में आ गए कि जहाँ कोई सामने गलती कर भी गलती नहीं मानता, है ना, आज कोई सीधी बात समझाकर भी नहीं समझता। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि वो व्यक्ति आज ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा, वो व्यक्ति आज ऐसा इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि उसकी आत्मा की शक्ति ही कम हो गई, है ना। वो आत्मा यदि ब्रह्मांड की आत्मा है तो उस आत्मा के साथ 198 करोड़ साल का कर्म बंधन जुड़ा हुआ है। वो सामने वाला व्यक्ति आपसे जानबूझकर झगड़ा नहीं कर रहा, सामने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वो आपकी बात को समझ नहीं पा रहा, उसकी आत्मा की, उसकी एनर्जी की वो कैपेसिटी नहीं है कि वो उस चीज को समझ सके, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता चला गया आत्मा की एनर्जी कम होती चली गई और आत्मा की एनर्जी कम होने से उसके कर्म भी लोअर होते चले गए। आज जो व्यक्ति चोरी कर रहा है उसको चोरी करने की प्रेरणा इसलिए मिल रही है क्योंकि उसकी आत्मा की शक्ति कम है, वो उसका मन ही उसको ये कह रहा है कि अरे चोरी करके ले लो, है ना, नहीं है तो कहीं से छीन लो, राइट। लेकिन एक व्यक्ति वो भी है, वो भी भूखा है। दो यदि इंसानों को देखें, एक व्यक्ति भूखा है, वो सोचता है मैं चोरी करके पैसा कमा लूं, दूसरा व्यक्ति ये सोचता है कि मैं मजदूरी करके पैसा कमा लूं। तो जो मजदूरी करके पैसा कमा रहा है वो मजदूर है, कोई कर्म होगा, लेकिन फिर भी उसने अपनी आत्मा की फ्री विल को यूज किया और उसने बुरा कर्म नहीं अच्छा कर्म दिखाया, अच्छे कर्म, मेहनत का रास्ता अपनाया। तो कोई जरूरी नहीं है कि उसको, वो जैसी भी लाइफ जिए, उसने एक ऑनेस्टी का रास्ता अपनाया, मतलब उसने अपनी आत्मा की पावर को यूज करके एक आत्म स्वरूप का, मतलब अपनी आत्मा के स्वरूप में ईमानदारी का जो गुण है, मेहनत का जो गुण है, उस गुण से उसने अपनी जिंदगी को चलाया। तो हमें यहाँ पर इन चीजों को बहुत ही, मतलब आत्मा के गुणों को हर साथ, क्योंकि आत्मा के साथ सिर्फ आत्मा का गुण है और आत्मा का गुण क्या कर रहा है, उस आत्मा की एनर्जी को कम या ज्यादा कर रहा है। जब हम ज्यादा सहनशील हो जाते हैं तो हम किसी पे एहसान नहीं करते, हम सोचते हैं कि झगड़ा हो रहा है हम ही क्यों सहन करें। लेकिन सहनशीलता, आपको याद रखना होगा कि सहनशीलता एक गुण है, ये आत्मा का गुण है। सिचुएशन आई, सबसे पहली बात कि जो डिफरेंसेस परिवार में आ रहे हैं वो डिफरेंसेस परिवार में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन डिफरेंसेस के साथ हमारे कर्म जुड़े हैं। कोई हमें प्यार दे रहा है या हमें कोई प्यार ले रहा है, है ना, या हम किसी को बहुत प्यार कर रहे हैं, कोई भी स्टेट आप ले लीजिए, उसके अंदर सिर्फ आपका, सिर्फ ये पूरी की पूरी दुनिया को हम यदि ढंग से देखें तो सिर्फ गिव एंड टेक है, है ना। हमें सिर्फ ये समझना है कि हम जब यहाँ इस दुनिया में जन्म लेकर आते हैं तो हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हम सिर्फ एक ही कमाई कर रहे हैं, वो कमाई है सिर्फ रुपए पैसे की, है ना, जिससे हमें जीवन चलाना है। लेकिन हम यदि ज्ञान को देखें, हम यदि स्पिरिचुअल साइंस को देखें, तो हमें ये समझ में आएगा कि हम ये रुपए की कमाई तो कुछ भी नहीं है, वो तो सिर्फ एक माध्यम है, लेकिन असली और असली हम सिर्फ गुणों की कमाई करते हैं। हम सिर्फ यदि इसको भी एनर्जी के टर्म्स में देखें तो हम सिर्फ एनर्जी की कमाई करते हैं। जब हमारे सामने कोई एक व्यक्ति आता है, वो मान लीजिए दुखी है, और एक व्यक्ति सोचता है कि ये मान लीजिए बेगर ही है, चलो हम समझ लें, और बेगर ने पहले सारा दिन मांग मांग के पैसा इकट्ठा किया और कोई चोर आया उसकी चोरी करके ले गया, तो पहली बात सोच सकते हैं कि ये कर्म कैसा होगा, इस कर्म को करने से कैसी एनर्जी मिलेगी, है ना। और एक कोई व्यक्ति था जिसके पास सिर्फ एक ही रोटी थी, उसने देखा बेगर सामने बैठा है, उसके पास खाने के लिए नहीं है पर वो भी भूखा है, उसने अपनी रोटी उसको दे दी, है ना। तो यहाँ पर उसने क्या किया, उसने भी एक कर्म किया, लेकिन उसने छीना नहीं, उसने दे दिया। तो इसी तरह से हमें थ्योरी ऑफ कर्मा को हर पल समझना होगा कि यही होने वाले कर्म, मतलब कोई भी कर्म करते समय आत्मा के जो मूल गुण हैं, हमने उसका इस्तेमाल किया या हमने उसका अपोजिट इस्तेमाल किया, है ना। इसी तरह से इन आत्मा, जब से आत्मा का सर्जन हुआ तब से लेकर हर इंसान अपने जिस रूप के अंदर आज मानव देह को धारण किए हुए है, उस रूप के अंदर वो डिफरेंट कर्म करता चला गया, अपने आत्मा के डिफरेंट संस्कारों को यूज करता चला गया, और जब वो यूज करता चला गया वो एक डिफरेंट एनर्जी बीइंग बनता चला गया। तो आपको ये याद रखना है कि हम सब दिखने में तो एक मनुष्य दिखते हैं, दिखने में हमें मेल और फीमेल दिखते हैं, बट वो मेल और फीमेल एक अलग ही डिफरेंट एनर्जी बीइंग है। तो आज हम यदि अपने खुद के फिजिकल आइडेंटिटी को हम फिजिकल बॉडी मानना बंद कर दें, जो आज साइंस भी कहती है, तो हमें समझ में आएगा कि हम एक डिफरेंट एनर्जी बीइंग है। हम सिर्फ अपने एनर्जी, मतलब सारे फोकस को यदि एनर्जी पे ले जाएं, जैसे मेरे फादर नहीं वो एक एनर्जी बीइंग है, मेरी मदर एक मदर नहीं वो एक एनर्जी बीइंग है, राइट। मेरा ब्रदर, मेरा सिस्टर, जो भी रिश्ते हमारे साथ टाई अप हैं, जिस भी रूप में टाई अप हैं, वो कुछ नहीं है, वो भी मूल रूप में एक एनर्जी बीइंग है।
तो हम यदि ये समझ लें कि सारा दिन एक एनर्जी दूसरी एनर्जी से बात करती है, सारा दिन एक एनर्जी दूसरी एनर्जी से कम्युनिकेट करती है, और जब हमने ये कम्युनिकेशन का सिलसिला पहली बार कभी शुरू किया होगा, जब से हम पहली बार एक फैमिली में साथ रहने आए, तो हमारे ऊपर ये डिपेंड करता है कि जब हम एक दूसरे से बात कर रहे थे, जब हम एक दूसरे के साथ सारा दिन रहना हमने शुरू किया होगा, तब हम कौन सी एनर्जी की कमाई कर रहे थे, है ना। हम दृष्टों में सुकून दे रहे थे या ले रहे थे। तो हमें यहाँ पर यह समझना है कि प्यार भी एक एनर्जी है, हर चीज एक एनर्जी है, प्यार भी एक एनर्जी है। हमने प्यार दिया या प्यार लिया, है ना, हमने शांति दी या हमने शांति ली, हमने किसी को धोखा दिया या हमने धोखा लिया, कोई भी चीज मन के इमोशनल के, क्योंकि भगवान ने आत्मा का मूल मन बनाया, मन बनाया तो भाव बनाए, इन भावनाओं को हमने अच्छे रूप में यूज किया या बुरे रूप में यूज किया, बुरा और अच्छा भी कुछ नहीं है, एक में हमने सिर्फ दिया है और दूसरे में हमने लिया है। तो जो हम देते चले गए वो भी एक्यूमुलेट होता चला गया, जो हम लेते चले गए वो भी एक्यूमुलेट होता चला गया। अब हमने जो दिया और लिया वो भी हमने किसी के किसी एनर्जी बींग के साथ लिया, जिसको आज हम फिजिकल रूप में देख रहे हैं कि वो मेरा पापा, वो मेरा माँ, कोई भी है ना, वो भी रिश्ता, जो इस रिश्ते को हम रिश्ते के रूप में देख रहे हैं बेसिकली, वो भी कुछ नहीं है, वो भी एक एनर्जी एक्सचेंज है। जिसके साथ दिया है वो आपको आज बहुत प्यार दे रहा है ना, वो लौटा रहा है, जो आप एनर्जी देकर आए थे वो आपको बहुत प्यार देके, बहुत कंफर्ट देके, वो अपना प्रेम दे रहा है वो आपको, क्योंकि आपने उसको कभी दिया था। आज जो आपको रिश्तों में प्यार नहीं कर रहा, आपको मांगना पड़ रहा है, आपने उससे कभी लिया था तो आपको वो आज देना पड़ रहा है ना। तो आप एक बात हमेशा यदि हम समझ लें कि जो दिया है उसको सिर्फ देकर ही चुकाया जा सकता है, जो लिया है उसको सिर्फ देकर ही चुकाया जा सकता है। मान लीजिए मैंने यदि किसी से 10 रुपीज लिए हैं तो मैं उसका कर्जा उसका 10 रुपीज देकर ही चुका सकती हूँ, है ना। दूसरा मैं कैसे चुका सकती हूँ कि मान लीजिए मेरे पास 10 रुपए देने के लिए नहीं है तो मैं उसका कोई काम हो वो कर दूं और वो मेरे 10 रुपए माफ कर दे, है ना। दो ही तरीके हैं अपना कर्ज चुकाने के। इसी तरह से जो एनर्जी एक्सचेंज हम रिश्तों के अंदर करते चले आए, उसके लिए हमने मान लीजिए किसी को अपने पिछले जन्म में बहुत कष्ट दिया, तो आने जिसको हम कष्ट दे रहे थे बिना वजह दे रहे थे, किसी भी अपने अहम के कारण दे रहे थे, तो अगले जन्म में वो जब अपना वही रिश्ता किसी रूप में आएगा तो ये तो हो नहीं सकता कि वो आपको प्यार देगा, वो आपको मिसअंडरस्टैंड करेगा, वो आपको गलत समझेगा, किसी भी रूप में आ सकता है ना। एनर्जी है, एनर्जी अब आपको वापस उसी रूप में मिलेगी, जिस रूप में इस पूरी सृष्टि को हम ध्यान से देखें, जिस रूप में जो चीज हो रही है एग्जैक्टली वही आपको वापस मिलती है ना। तो इसी तरह से जब हम प्यार देकर नहीं आए तो वो आने वाला रिश्ता, चाहे वो आपके फादर के रूप में आ जाए, आपके मदर के रूप में आ जाए, आपके हस्बैंड के रूप में आ जाए, है ना, बच्चे के रूप में आ जाए, वो आपको प्यार देने वाला नहीं है। तो आपको उस, और आपके पास भी प्यार नहीं था, ये भी बात समझने वाली है कि आपने प्यार क्यों नहीं दिया, क्योंकि आपके पास खुद प्यार नहीं था, आपके अंदर आपकी जो मन स्थिति थी वो अहम वाली थी, है ना। आपने कभी झुकना नहीं जरूरी समझा होगा, आपने उस परिस्थिति में झुकने की बजाय आपने डोमिनेंस दिखाई होगी, तो आपने ऐसा डोमिनेंस क्यों दिखाई, क्योंकि आपके अंदर खुद एनर्जी नहीं थी। यदि आपके अंदर एक एनर्जी होती तो आप आत्मा के गुण को इस्तेमाल करते। दादाजी ने अपने एक वीडियो में बताया था ना कि क्षमा भी कौन कर पाता है, क्षमा भी वही कर सकता है जिसके पास क्षमा करने की ताकत है, चाहे खून ही क्यों ना हो गया हो, और जिसके अंदर एक छोटी सी बात को भूलने की शक्ति भी नहीं है, वो शक्ति भी किससे जुड़ी है, आत्मा की पावर से, क्योंकि वो क्या कर रही है, वो रिटेन कर रही है चीजों को, उसके अंदर क्षमा का गुण ही नहीं है, है ना। तो कहने का मतलब कि हर जगह पर आपने भी यदि वो कर्म किसी को तकलीफ देके कमाया था तो वहीं से पता लगता है कि आप खुद अहम के रास्ते पे थे। अहम के रास्ते पे मतलब कि आप खुद एक लोअर एनर्जी स्टेट के थे, तभी आप वो एनर्जी का कर्म कर पाए होंगे, तभी आप किसी को तकलीफ दे पाए होंगे, है ना। तो आज हमारे रिश्तों के अंदर जो हम ये कहते हैं कि घर और परिवार में 24 आवर झगड़े हो रहे हैं, कोई हमें समझ नहीं रहा, हम बहुत मेडिटेशन भी कर रहे हैं, पावर रिटेन नहीं हो रही है, है ना, क्या करें क्या करें क्या करें, इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो हम यदि इसको मूल रूप से समझ लें तो हमारे एक कंप्लेंट्स ही करना बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक ही तरीका है कर्ज को चुकाने का, या तो आप उन्हें प्यार दो, मतलब हम इमोशनल लेवल पे अभी बात कर रहे हैं, मतलब जैसे 10 रुपए लिए, या तो दो ही तरीके हैं, या तो मैं 10 रुपए चुका दूं या उसका घर में कुछ काम कर दूं ताकि वो जो 10 रुपए किसी को देता तो वो उसको देने ना पड़े, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो भगवान की इस पूरी सृष्टि को भी हम यदि ध्यान से देखें तो यहाँ भी सिर्फ दो ही तरीके हैं, या तो आप उस रिश्ते को प्यार दो, वो आपको गाली दे रहा है आप उसको प्यार दो,
देते रहो देते रहो देते रहो, और कब तक देना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी को कहीं ना कहीं एक दिन तो बैलेंस होना ही है। तो एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ही आएगा कि वो सोचेगा यार मैं इसको बार बार बोल रहा हूँ, ये मेरे को नहीं कर रहा। तो उसका जो मन का परिवर्तन है, देखा, एक बात समझनी है कि मन का ही जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक कोई परिवर्तन आपको फिजिकल रूप में दिखाई नहीं देगा। ठीक है, आप कहते हो कि हम तो सारा दिन कर रहे हैं, हम तो टॉलरेट कर रहे हैं। वो टॉलरेट आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपके पास टॉलरेंस करके आप अपनी सहनशीलता के गुण से आप उस ऋण को पे कर रहे हो। समझे, आपको लगता है कि हम तो सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ आप अच्छा कर नहीं रहे। आपने उस आत्मा को कभी ना कभी तकलीफ दी थी, तो सबसे पहली बात तो आप वो ऋण चुका रहे हो। ठीक है, अब आपके पास ही चॉइस है कि आप उस ऋण को शांति से प्यार से चुकाते हो, या आप उसमें भी ये सोचते हो कि मैं तो ये ऋण चुकाकर, मतलब मैं तो टॉयलेट करके बहुत एहसान कर रहा हूँ। तो यहाँ भी जब आपने मन के अंदर ये भाव लिया है तो आपको ये देखना है कि आप कौन सी एनर्जी को आपने अर्न किया। तो इन सब बातों को समझने का अर्थ सिर्फ इतना है कि हमें अपने रिश्तों का आधार पता लग जाए तो हम इन रिश्तों के पीछे भागेंगे नहीं। हमारे ये पूरी की पूरी रिश्ते सिर्फ हमारे थ्योरी और कर्म पे बने हुए हैं, है ना, सिर्फ थ्योरी ऑफ कर्म। कोई प्यार दे रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा, वो भी अपना ऋण चुका रहा है। जिस दिन वो पूरा हो जाएगा उसका कर्म बंधन, वो इस दुनिया से चला जाएगा। जो ले रहा है, जो तकलीफ दे रहा है, वो भी जिंदगी भर नहीं दे सकता, वो उतनी ही दे सकता है जितनी तकलीफ उसने आपने उसको दी थी, है ना। जिस दिन उसका भी हिसाब किताब पूरा हो जाएगा, चला जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन तो है, एक दिन जाना तो ऑप्शन है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो दोबारा से हमारे उस एनर्जी पथ में ना आए, है ना। वो तभी आएंगे जब हम अपने इस एनर्जी के बैलेंस को, इस एनर्जी के ऋण को, मैं ये कहूँ जिस तरह से हमारे पास ये मॉनेटरी ऋण चढ़ते हैं, उसी तरह एनर्जी के भी ऋण हैं ये हमारे ऊपर, देना लेना, प्यार का देना। क्यों? क्योंकि भाव के बिना तो सृष्टि बनी नहीं। जब भगवान अपने निराकार स्वरूप में है तो वो तो भावातीत है। तो यानी कि भगवान ने सबसे पहले जब अपनी सृष्टि की रचना करी तो उन्होंने तो सबसे पहले भाव बनाए। तो ये दुनिया भाव से ही चल रही है, मतलब भगवान ने अपनी दुनिया का प्रेम से निर्माण किया, तो प्रेम तो एक भाव ही है, वो एक एनर्जी स्टेट ही है, है ना। तो यहाँ से हमें ये बात पता लगती है कि जब भाव ही दुनिया को चला रहे हैं तो हमें सबके लिए कल्याण सोचना है, सबके लिए कल्याण सोचना है। ये एक आदत ही बना लेनी है कि सबका ही कल्याण हो। हे भगवान, आपकी संपूर्ण सृष्टि के कण कण का कल्याण हो। दिन में जितनी बार हो सके ये सेंटेंस हम बोल लें तो हमारी चलते फिरते खाते पीते हर समय पूजा हो रही है। कोई जरूरत नहीं है माथे पे तिलक लगाने की, घंटी बजाने की, मूर्ति रखने की, कोई जरूरत ही नहीं है। सिर्फ चलते फिरते, भगवान कृष्ण भगवान कह गए कि कर्म ही पूजा है, तो चलते फिरते हम अपने आप को ये बना लें कि हम हर समय हर कर्म करते समय पूजा कर रहे हैं। बस सबको प्यार, तुम नहीं समझ पा रहे, कोई गालियां भी दे रहा है सबको प्यार, कोई झगड़ा भी कर रहा है सबको प्यार, सबको प्यार ही प्यार देना है। क्योंकि हम नहीं जानते कि वो अपना ऋण उतार रहा है, हमने तकलीफ दी वो दे रहा है, या हम ये भी नहीं जानते कि वो कौन सी उस आत्मा की अपनी, मतलब हम अपना पास्ट लाइफ नहीं जानते। उसके लिए हमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन पे जाने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्या करेंगे जान के? जो पिछले जन्म का समय है वो आज की तारीख में वापस तो आने वाला नहीं, फ्यूचर को फ्यूचर ही बताएगा, तो प्रेजेंट ही हमारा फ्यूचर बनाएगा। तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेजेंट मोमेंट पे काम करना है, सिर्फ और सिर्फ। कोई दे रहा है, कई बार क्या होता है कि थोड़ी थोड़ा हमें अपनी कलाएं यूज करनी चाहिए, हमें अपनी एनर्जी को अलग अलग तरीके से स्मार्टली यूज करना चाहिए। कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हमें टॉलरेट नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि हम भी मन है। तो पहली बात तो जब हम अपने मन को ज्ञान से भरेंगे, प्रकाश से भरेंगे, तो हमें वो सहने की शक्ति देगा। सामने वाला बैठकर 10-20 सारा दिन भी गाली देगा ना, तो वो गाली देता देता थक जाएगा। आप उसको वो प्यार ही प्यार देते चले जाओ, उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते चले जाओ। और जब आपको भी लगने लगे कहीं अपना एनर्जी का सुरक्षा कवच ही पहले तो बना लो, तो टच ना कर पाए, है ना, दूसरा लगे कि हाँ अभी टॉयलेट नहीं हो रहा या मेरे मन की अवस्था खराब हो रही है, तो इंस्टेंट ऑफ एंटेंगलमेंट हम उस जगह से दूर चले जाएं। या हमें लगे कि हम थोड़ी देर भी टॉयलेट नहीं कर पा रहे, तो ज्यादा बेस्ट है कि हम किसी दूसरे कमरे में जाकर या उनसे थोड़े दूर जाकर के हम उस अपने एनर्जी के एक्सचेंज को, मतलब हम अपने उस एनर्जी के जो ऋण है हमारे ऊपर, उस एनर्जी के ऋण को हम प्यार से दूर रहकर पूरा करते रहें। हम दूर से रहकर सकाश देते रहें, हम दूर से बोलते रहें कि आप बहुत प्यारी आत्मा हो, आप बहुत ही प्यारी आत्मा हो, आप मुझे क्षमा कर देना, मैंने जब भी आपको तकलीफ दी आप मुझे क्षमा कर देना। तो हम सोचते हैं कि हमें मेडिटेशन के लिए किसी की कमेंट्री चाहिए, हमें मेडिटेशन के लिए किसी की कमेंट्री नहीं चाहिए। आपके मन का सच्चा भाव, आपके मन से जो एक सेंटेंस भी निकलेगा ना, वो सेंटेंस अपना, जब दिल से कहते हैं ना दुआ निकलती है या दिल से पीड़ा निकलती है, तो वो एग्जीक्यूट होकर तुरंत फल देती है। क्यों? क्योंकि वो जो मन का से निकलने वाला भाव है ना, वो भाव के अंदर ही वाइब्रेशनल फील्ड है, उस भाव के अंदर ही आपकी एनर्जी है। तो दिल से दी हुई दुआ और दिल से दी हुई बददुआ हमेशा फलती है। क्यों? क्योंकि वो वाइब्रेशनल फील्ड एक ऐसी एनर्जी फील्ड क्रिएट करती है कि वो एनर्जी फील्ड
आपको कहीं ना कहीं उसका प्रतिफल देगी ही देगी, है ना। इसलिए किसी के मुंह से शब्द, कहते हैं ना कि शब्द मुंह के बोलने से कोई एग्जीक्यूट नहीं होता, क्योंकि आप शब्द बोलते हो। जब आप मुंह से खाली बोलते हो, किसी की सुनी सुनाई प्रार्थना को आप बोलते हो, किसी की सुनी सुनाई प्रार्थना को आप पढ़ते हो, किसी की आप मंत्र को पढ़ते हो और दिल से नहीं बोलते, तो वो एग्जीक्यूट नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब तक वो मन की गहराई में नहीं जाता, तब तक वो वाइब्रेशनल फील्ड क्रिएट नहीं होती, वो एनर्जी फील्ड क्रिएट नहीं होती। किसी भी चीज के विजिबल रूप में प्रत्यक्ष होने के लिए उस एनर्जी फील्ड का एग्जीक्यूट होना बहुत बहुत जरूरी है। जब तक वो, भगवान ने मन को मूल क्यों बनाया? मूल बनाया मतलब वाइब्रेशनल फील्ड बनाई, वो एनर्जी की फील्ड बनाई, जिससे अब आपकी बुद्धि एग्जीक्यूट करेगी और वो संस्कार बनेगा। यदि हम बहुत ध्यान से भी कभी देखें, तो हम कहते हैं कि आत्मा की तीन फैकल्टीज हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। तो ये तीनों भी कुछ नहीं है, ये तीन भी तीन डिफरेंट एनर्जी स्टेट हैं, राइट। मन क्या है? मन है मूल। मूल मतलब जैसे संपूर्ण सृष्टि के अंदर जो आकाश तत्व के अंदर हम बोल रहे हैं, वो जा रहा है, वो हमारे चारों तरफ एनर्जी फील्ड्स हैं। हाई एनर्जी फील्ड्स भी हैं, लो एनर्जी फील्ड्स भी हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों के कर्म से एनर्जी लोअर होती चली गई और पूरे के पूरे वायुमंडल में या पूरे की पूरी क्रिएशन के अंदर एनर्जी लोअर स्टेट में पहुंच गई, है ना। और हाई एनर्जी भी अपने आप में बहुत कम होकर लोअर एनर्जी में आ गई। तो इसी तरह से जब आत्मा भी आज दुनिया में रह रही है और इसी क्रिएशन के अंदर रह रही है, तो आत्मा के मन की भी मूल की एनर्जी है ना, वो मन भी क्या है? आपका एक एनर्जी स्टेट के ऊपर वाइब्रेट कर रहा है, राइट। वो मन आपको जो प्रेरणा दे रहा है, अच्छी प्रेरणा, बुरी प्रेरणा, कोई भी काम करने की प्रेरणा दे रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसे बुद्धि से एग्जीक्यूट करते हो। तो मन का बुद्धि में जाना एक दूसरी एनर्जी है। मतलब मन से पहले आपने बार बार सोचा, सोचने से आपने उस एनर्जी को के कर्म को क्रिएट किया, वो एक एनर्जी अब आपको बुद्धि में लेकर जाएगी। तो मन ने पहले सोचा था कि चोरी करूं, मन ने पहले सोचा था कि मैं दान करूं, तो मन ने जो सोचा, बुद्धि ने कहा हाँ हाँ मैं दान करता हूं, है ना। वो दान जरूरी नहीं है कि वो जाकर के बहुत बड़े बड़े दान करे। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा सड़क पे चींटियों को दाना डालते हैं, तो उनके मन का भाव कहता है कि मैं खिलाऊं, है ना। चींटी भी तो एक आत्मा है, 10 जनों को खिलाने की सामर्थ्य ना हो तो 10 चींटी को खिलाने की सामर्थ्य तो है, वो भी आत्मा का वही फल है। वहां भी आप पेट भर रहे हो, वहां भी आप पेट भर रहे हो, है ना। लेकिन सिर्फ ये है कि आप किस भाव से भर रहे हो, क्योंकि मन मूल है, तो मन से किया हुआ कर्म ही आपके काम आता है, है ना। तो मन भी एक एनर्जी स्टेट है। बुद्धि जब एग्जीक्यूट करती है तो वो एक हाई एनर्जी में चले गए, क्योंकि अब आपने उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। जब आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो आप ज्यादा कर्म कर रहे हो, पहले आपने सिर्फ सोचा था, अब आपने उसको एग्जीक्यूट भी किया, ज्यादा एनर्जी आ गई। फिर जो कर्म आप करते चले गए, आज आपने एक किया, कल आपको दूसरी जगह दिखेगा, आपका मन करेगा चलो मैं इसको भी खिलाता हूँ, मैं तीसरा भी खिलाता हूँ। इसी तरह से करते करते लोग बहुत बड़े बड़े दानी बन जाते हैं, कभी देखा जाए ना। क्यों? क्योंकि वो अब उनका संस्कार बन गया, लोगों के नियमित रूप से भंडारे चलते हैं, है ना। कभी हम सोचें क्या वो बचपन से, वो भी तो एक घर में ही आया था, वो भी तो कोई काम ही कर रहा था, लेकिन उसका मन भंडारा करने वाला कि सबको खिलाऊं, ये कैसे बन गया? क्योंकि जब वो करता चला गया, वो एक डिफरेंट एनर्जी बीइंग बनता चला गया। मन, बुद्धि और संस्कार, यदि हम इसे इन टर्म्स ऑफ एनर्जी देखें, तो ये भी एक तीन डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स हैं। मन एक वाइब्रेशनल फील्ड है, बुद्धि उससे थोड़ी और हायर, और जब आप संस्कार बन जाते हैं, संस्कार मतलब कि परमानेंटली नाउ यू आर डूइंग इट, अब आपको कोई कह नहीं रहा। शुरू में आपने मन से सोचा था, है ना, कि मैं किसी को खिलाऊं, आपको खिलाने का भाव आया, है ना, आपने उसे बुद्धि से एग्जीक्यूट किया। मे बी फॉर द आंट्स, आपके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, आपने एक बिस्कुट का चूरा करके ही खिला दिया प्यारे भाव से कि अरे कितना अच्छा लग रहा है। फिर आपने उससे उसी एनर्जी को, अच्छा एक चीज और है, जो एनर्जी हम करते हैं, जो एनर्जी जिस रूप में हम कर्म में करते हैं, वही एनर्जी हमारे अंदर संचित होती है। ये बात हमें समझनी चाहिए, जो एनर्जी का कर्म हम करते हैं वही संचित होती है, है ना। मुझे तो आज ऐसा लगता है कि जैसे कोई इंसान मानसिक बीमारी से पीड़ित है, उसने सिर्फ मन से बुरा सोच कर ही कर्म किए होंगे, तो वो मन से ही आज मानसिक रूप से ही बीमार हो गया, है ना। कोई इंसान यदि किसी का लूटता खसोड़ता रहा, तो हो सकता है कि आज उसके अंदर वो ताकत ही नहीं बचेगी कि वो आज दो वक्त की चैन शांति की खाना ही खा सके। तो हमें देखो, जो कहने का मतलब इन सब बातों को समझने का ये है कि कर्म किस किस तरह से अपना एक रोल प्ले कर रहा है, है ना। क्यों किसी के मन में यह है कि मेरा तो अनंत, जब से मैं आया हूं कि मैं तो अपना सारा पैसा भंडारे में लगाऊंगा, मैं तो अब सारा पैसा लोगों की सेवा में ही लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो न जाने कितने जन्मों तक ये कर्म को करता रहा होगा। इन कर्मों को करने के बाद वो एक वैसा ही एनर्जी बीइंग बन गया, उसने उसी तरह की एनर्जी को ही अपनी आत्मा में संचित किया था। क्योंकि जब आत्मा नेक्स्ट बर्थ लेती है तो वो उसी एनर्जी को लेके चली जाती है, है ना। तो वो कितने समय तक, मतलब जो हम देखते हैं आज कि एक जन्म में आके लोगों ने ये कर लिया, वो एक जन्म नहीं है, वो एक जन्म के जो उसकी रूट है, उसकी आज उस सोच की जो रूट है,
आत्मा आज जो इस दुनिया के प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर सोच रही है, अपना कोई भी रोल प्ले कर रही है, चाहे वो नेता के रूप में, चाहे वो टीचर के रूप में, चाहे वो साइंटिस्ट के रूप में, चाहे वो किसी चोर के रूप में, चाहे वो टेररिस्ट के रूप में, वो एकदम नहीं बना। वो एक एनर्जी की साइकिल है। कब? जब से उसने अपना पहला बर्थ लिया। वो जब से अपना पहला बर्थ लेके कर्म पे कर्म जो जो कर्म करती गई, वैसी वैसी एनर्जी आत्मा संचित करती चली गई। जब आत्मा जाती है शरीर छोड़कर, तो वो दो तत्व यहाँ छोड़ जाती है, 3 तत्व ले जाती है। ये बहुत ही इजी बात है समझने की, है ना। इन्हीं से हमें आज समझ में आता है कि जो हम अपने रिश्तों को लेकर के सोचते हैं, हम यदि रिश्तों को लेकर अपना मन उदास कर रहे हैं, तो पहली बात आज दादाजी बार बार बता रहे हैं, आज भी कहा, कि जब आप यदि पावर लेते हो मेडिटेशन से और आपने यदि किसी दूसरे के बारे में सोचा, तो वो एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। क्यों? जिस तरह कोई हवा को बहने से रोक नहीं सकता, उसी तरह से आप एनर्जी के एक्सचेंज को रोक नहीं सकते। एनर्जी एक ऐसी चीज है, आप किसी से शेक हैंड करते हो, आप किसी के बारे में सोचते हो, तो एकदम आपकी एनर्जी का ट्रांसफर होना तय ही तय है। तो हम ये भी सोच सकते हैं कि आज उसने मुझे हर्ट कर दिया, आज उसने मुझे ये कर दिया, आज वो कर दिया, तो हम इसमें भी अब अपनी एनर्जी, पहली बात तो हमारे ऊपर ऋण है हमारे ऊपर वो एनर्जी का, तभी हमें सामने वाला हर्ट कर रहा है। दूसरा, उस आत्मा की एनर्जी कम है, इसलिए उसकी समझ कम है, वो समझ ही नहीं सकता। आप उसको आपको समझाने में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, आप उसको जो आपको तकलीफ दे रहा है, उस तकलीफ को झेलने में आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। तो कितनी जगह पर हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है। इसका सबसे सही कारण है कि आप परम शांत अवस्था में चले जाओ। आप दूसरों के साथ एंटेंगल होना बंद कर दो, आप दूसरों को समझाना बंद कर दो। आपका आज दुनिया में जो जो रोल है, बस आप अपना वो रोल प्ले करो। आप एक दृष्टा बन जाओ। आप ये सोच लो कि मैं एक एनर्जी बींग हूँ, आज मैं जो जो कर्म कर रहा हूँ, वो कर्म तो मुझे उतारना ही उतारना है, वो एनर्जी तो मुझे रीपे करनी ही करनी है। जिसके पैसे लिए हैं, वो पैसे के रूप में वापस करने हैं। यदि पैसा नहीं है, तो अपने आत्मा के गुण के रूप में वापस करने हैं। 10 रुपए देने के लिए थे, तो 10 रुपए देकर ऋण उतार दिया। 10 रुपए नहीं थे, तो हो सकता था कि उनके घर में पोछा लगा के उतार दिया। तो दो ही तरीके हैं कि जो रिश्तों में आज हमें इलविल महसूस होती है, क्योंकि आज दुनिया ज्यादातर इसी से परेशान है, जो इलविल महसूस होती है, उन इलविल को हम या तो अपनी आत्मा के पावर के गुणों को बढ़ाकर, मतलब हम सहनशील हो जाएं। कोई कह रहा है सोचना ही नहीं, सहनशील होने के साथ हम उसके ऊपर एहसान ना दिखाएं कि हम उस पर सहनशील हो रहे हैं, वो गलत कर रहा है मैं सहन कर रही हूं। नहीं, वो गलत इसलिए कर रहा है क्योंकि आप कभी गलती करके आए थे, आपके ऊपर वो एनर्जी का कर्जा था, इसलिए आप वो गलती कर रहे थे। तो कभी अपने आप को ऊंचा बढ़ाने की, भगवान कहते हैं ना, कोई ऊंचा बढ़ा नहीं। तो यहाँ पर ही आत्मा के गुणों को समझने की जरूरत है कि आप कोई ऊंचे नहीं बन गए, आपने जो ऋण लिया था वही आप उसको दे रहे हो वापस, वही आप चुका रहे हो। तो जब आप इस तरीके से चीजों को देखना शुरू करोगे, तो रिश्तों में आज कोई भी कुछ भी कर ले, दुख दे या सुख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि वो दुख दे रहा होगा पहली बार, तो भी कोई फर्क नहीं है, तो आप उसे सुख देकर तो भी आप पॉजिटिव कर्म कमा रहे हो। और यदि वो आपके ऊपर डेप्ट होगा इसलिए वो आपको दुख दे रहा है, तो भी आप कमा रहे हो। तो लोग जो ज्यादा सोचते हैं ना कि दुख जिंदगी में कभी ना आए, दुख में ऐसा कुछ भी नहीं है। दुख और सुख दोनों सिर्फ एक माइंड की स्टेट हैं, है ना। दुख में भी आप भगवान के दुख के यदि फायदे देखेंगे ना हम, तो जिंदगी में हर इंसान दुखी मांगेगा। यदि जिंदगी में रहने वाले लोग बचपन से हमें बहुत ही प्यार, बहुत ही ममता दे रहे होते ना, तो कभी ये सोचना कि यदि ये जाते ना जब, तो हमारा कितना कितना लॉस भी होता, जिससे हम बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं। वो जब आदमी हमसे बहुत प्यार करता है, बहुत रिश्ते हमारे साथ इमोशनली अटैच कर देता है, मतलब पहली बात तो उसका नेक्स्ट जन्म में हमारे साथ मिलना तय है, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी मैं आपको बता दूं कि जिन रिश्तों के पीछे हम भागते हैं, यदि इन रिश्तों का हम आधार को समझें, यदि वो आत्मा अच्छी नहीं थी, तो मरने के बाद भी वो आत्मा इतना प्यार करती है, इमोशनली इतना कनेक्ट हो जाती है कि वो आत्मा मरने के बाद आपसे दूर ही नहीं जाती, मतलब वो जाना ही नहीं चाहती, वो आपको भी अपने साथ ले जाना चाहती है। यहीं से आपको समझ में आएगा कि असली भूत प्रेतों के बनने का मूल कारण क्या है, मूल कारण क्या है। आप यदि भूत प्रेतों के बनने का मूल कारण को समझ लोगे, तो आपको सारा रहस्य जिंदगी का समझ में आ जाएगा। वो भूत क्यों बना? क्योंकि आत्मा भूत प्रेत क्या है? वो आत्मा जो लिबरेट नहीं हो सकी, जिसको नेक्स्ट बर्थ नहीं मिला, कोई योनि ही नहीं मिली, पशु योनि तक नहीं मिली, तो वो भटक रही है 3 तत्वों में, है ना। वो किसके साथ जाएगी? वो 3 तत्वों की भी एक आत्मा है, वो उसी एनर्जी के साथ ही एंटेंगल होगी, जिस एनर्जी के साथ उसका कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट है। क्यों? एनर्जी एनर्जी के साथ ही रेजोनेट करती है। तो आप कहो कि आपको सपने आ रहे हैं, आपको बुरे सपने आ रहे हैं, इसका मतलब कि बुरे सपने भी आपको इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपने मन से कोई ना कोई ऐसे बुरे कर्म किए थे जो आपके अंदर रजिस्टर हो गए। जो जो इंसिडेंस, जो जो चीजें आपको मन में आकर बार बार डरा रही हैं, क्योंकि आपने भी वो कर्म मानसिक रूप से किया होगा, इसलिए आज वो आपके पास बुरे सपनों के रूप में लौट कर आ रहे हैं। तो इसके लिए भी क्या करना है? इसके लिए भी मेडिटेशन करना है, राइट। दूसरी चीज, कोई आदमी रिश्तों के अंदर आपको तकलीफ दे रहा है, तो पहली बात ये एनर्जी का ऋण चुका हुआ है ना। तो हमें यहाँ पर अपने आप को सहनशील होकर,
किसी को देकर बड़ा समझने की भूल कभी भी नहीं करनी है। हमें सिर्फ उनका सदा आदर ही करना है, चाहे वो हमें कुछ भी दें। हमें उन्हें सदा प्यार ही देना है। पास में रहकर दे सकें तो बहुत अच्छा, पास में रहकर ना दे सकें तो दूर जाके दें, लेकिन देना ही है, क्योंकि जो लिया है उसको दिए बिना ये कार्मिक अकाउंट पूरा होने वाला नहीं है, है ना। तो इसी तरह से जब हम अपने रिश्तों को देखेंगे तो हम उनके पीछे अंधाधुंध भागना बंद करेंगे। हम ज्यादा इमोशनली लोगों से दूर होना बंद करेंगे, क्योंकि ये इमोशनली रिश्ते कुछ नहीं है, ये देना और लेना रिश्तों का आधार ही नहीं है, है ना। इनके पीछे हमें भागना ही नहीं है, इनके पीछे हमें भागना नहीं है। हम इतने जन्म साइकिल, इतने जो जन्म लेते आए उसके साथ हमने जिसके साथ एनर्जी एक्सचेंज की, उनके साथ हमें आज रहना पड़ रहा है। तो हमें बस अपना वो जो भी रोल हम आज लेके रहे हैं, वो हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं। आज हम बेटे के रूप में हैं तो अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं, बस सिंपल। और उनके साथ अपना जब तक करना है, क्योंकि ये भी एक पार्ट है, वो मैं बाद में बताती हूँ, लेकिन कि वो एनर्जी तब तक ही रहेगी आपके साथ जब तक आपका उसके साथ एसोसिएशन, जिस दिन वो कर्म बंधन पूरा हो जाएगा उस दिन वो चीज खत्म हो जाएगी, वो अपने आप ऑटोमेटिकली उस एनर्जी पद से दूर हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर हमें रिश्तों का आधार समझना है कि कोई भी तकलीफ दे रहा है, कुछ भी हो रहा है, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है।